इसीलिए हम लोग इसमें चलता है। हाँ जी बोलो। गुरु जी के चरण कोटि कोटि नमस्कार। मेरा नाम अशोक शर्मा है, मैं देहरादून से आया हूँ। हाँ जी। और फैमिली में आपका कैंप लगा था देहरादून में पैसिफिक मार्ग। हाँ जी। तो मेरे प्रॉब्लम है पार्किंसंस की, 3.5 साल से पार्किंसंस है, जिसमें कंपन वगैरह होती है, अनबैलेंस हो जाता है। लेकिन उसके साथ और प्रॉब्लम थी, कल मैंने गुरु जी को बताया, फर्स्ट टाइम आया हूँ, मैंने बताया कि मुझे ये यूरिन की प्रॉब्लम है, मैं 1-1 घंटे बाद रात को उठता हूँ। तो गुरु जी ने बोला, एकदम बोला, इनको 3 चम्मच तिल के तेल खिचड़ी में डाल के दे दो। मैंने वो खाया तो गुरु जी एक कमाल हो गया, मैं एक रात को एक बार उठा सिर्फ, रियली एक बार उठा, और अभी तक सुबह से मैं अभी एक बार भी नहीं गया। गुरु जी ये तो आपने मिराकल कर दिया, और गुरु जी का ये जो कहना है कि बिल्कुल सत्य है, ये निष्काम सेवा कर रहे हैं, मानवता की सेवा कर रहे हैं, दुखी लोगों को दुख की दूर कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ है जो मैं कहना चाहूँगा, गुरु जी हम चाहते हैं कि ब्रांचें हों, लेकिन नहीं, ब्रांचें नहीं होनी चाहिए। गुरु जी का ये आश्रम इतना बढ़िया आश्रम है, हम इसकी जो गुरु जी कहते हैं बार बार असुविधाएँ होती हैं, हाथ जोड़ते हैं, तो हम थोड़ा अजीब सा लगता है। हम आए किस लिए? हम सिर्फ अपने दुख को दूर करने के लिए आए, हम और कोई नहीं। लेकिन भगवान ने चाहा तो धीरे धीरे एक गुरु जी का आश्रम इतना बड़े बन जाएगा, इतना फेमस हो जाएगा कि वर्ल्ड के अंदर पहला ही आश्रम है एज पर माई नॉलेज कि ऐसा निष्काम सेवा कर रहे हैं। तो मैं गुरु जी से धन्यवाद करूँगा। और एक मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं आपसे अपील करना चाहता हूँ, गुरु जी हमें सारे दुखों को दूर कर रहे हैं, हमें भी तो कुछ, हमारा भी फर्ज बनता है ना, तो उसके बारे में गुरु जी को कुछ दें। हम, हमारी औकात नहीं है, लेकिन हम समर्थ है। तो मैं कल आया था पहली बार, तो आश्रम से जो टर्न किया ना, गाड़ी फंस गई हमारी, कीचड़ 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 कीचड़, मेरी गाड़ी कमाल है। मैं, मेरे दिल में आया कि क्यों ना हम गुरु जी के इस रोड को बनाएं, ये सब आप लोगों के सहयोग से होगा। देखो सब सक्षम है, भगवान की कृपा सब पे। तो मैं ये चाहता हूँ कि कम से कम मेरे साथ 40 आदमी आ रहे हैं, 57 आए हैं, तो 100 के आदमी गरीब हो गया। अगर 100-100 रुपया भी दें अपने समर्थ, कम से कम, और ज़्यादा से ज़्यादा जिसकी जो श्रद्धा है वो दे, दान पेटी में डालें। ये नहीं कि हमने रसीद देनी है, नहीं, श्रद्धा है जिसकी जो श्रद्धा है, 1 रुपया हमारी 1 लाख के बराबर है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि धीरे धीरे जो कमी पेशी हैं, तो मैं तो रात को गुरु जी के 4 बजे बोला कि उठना है, 4 बजे, मैं 3:30 बजे हो गया, मैं सिर्फ बोला उठो जी, तो 4 बजे ठीक है, पहली बार आए थे ना, क्यूरियोसिटी होती है। लेकिन मैं गुरु जी को धन्यवाद करता हूँ, और मानवता हमसे सबसे गुरु जी से प्रार्थना करता हूँ, सबके दुखों को जो भी आए हैं यहाँ, उनकी मनोकामना पूर्ण कष्टों का निवारण हो, ये मेरी एक इच्छा है। गुरु जी का आशीर्वाद तो है ही है, तो गुरु जी को इफ एंड बट नहीं है, मैं तो कायल हो गया हूँ जी, मैं चाहता हूँ मेरे पार्किंसन से ठीक हो जाऊँ, तो मैं सारी जिंदगी यहीं बिताऊंगा गुरु जी को। उसके लिए मैं रात को मेरा एक मिस्टर राजीव कपूर मिला मेरे काम करता है, तो मैं उसको घर में, यार उसको ऐसे लोग ढूंढो ना, इतनी अच्छी कंपनी में बीपी है, वाइस प्रेसिडेंट है वो, मैं सुबह में तू यार हमारे गुरु जी के आश्रम को दान ले लो, गोद ले लो, क्योंकि आजकल ये कंपनियां चलती हैं। जितने अपने आपके दोस्त हैं, यार हैं, सबसे बड़ी बात यह है कि गुरु जी कहते हैं कि हमें नहीं, मुझे नहीं पता था, आने के बाद मुझे, हमारी ड्यूटी बनती है हम लोगों को बताएं, कम से कम जाके 10-10 लोगों को बताओ कि ये घर में, परिवार में, दोस्तों में। मैं तो लिस्ट बना ली, मैंने कहा जी मैं जा रहा हूँ, अगर ठीक हो गया ना तो आपको ले जाऊँगा, रियली। इसलिए हर एक को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि एकदम वायरल कर दो ना, जैसे वीडियो वायरल हो जाए, लोगों को पता लगे गुरु जी के आश्रम में क्या क्या मिराकल हो रहे हैं। लोग पता नहीं है ना लोगों को, लेकिन हमने बताना है, किसने बताना है, हमने, हमारा सहयोग होगा
तो ये गुरु जी के आश्रम दिन दुगनी रातों की तरक्की कर हम तो ये आश्रम धन्यवाद। अच्छा, ये जो कुछ भी हो रहा है ये हमारे गुरुदेव की कृपा से हो रहा है और मैं आप लोगों का सेवक हूँ। जो गुरु जी ने मुझे आदेश दिया मैं उनकी सेवा कर रहा हूँ, बल्कि मैं तो ऋणी हूँ उनका भी, आप लोगों का भी। आपके भाव इतने अच्छे हैं, इतना प्यार आप देते हो, इतना सम्मान आप देते हो, मैं तो आपका भी ऋणी और ऋण उसका चुपता कर रहा हूँ आप लोगों के। आप सब स्वस्थ और खुशहाल हो जाओ, सेवा अपनी करवाओ और आगे करो सारी दुनिया में, ठीक है ना। देश भी तो अपना है ना सारा, देश पर आया तो नहीं है ना, फिर देशवासी भी तो अपने हैं, हम भी सब देशवासी हैं, सबको स्वस्थ कर दो, ठीक है। चलिए अब समय हो गया है, सब लोग भोजन करिए।